हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम कुर्ती पहनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी कुर्ती के साथ कैसा बॉटम वियर पहने, और काफी कंफ्यूजन रहता है। मुझे तो कई बार रहता है, क्योंकि अभी प्लाजो का ट्रेंड तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। 220 में प्लाजो का ट्रेंड था, बट अब इतना ज्यादा नहीं है। जो इतने ज्यादा फ्लेयर वाले प्लाजो चलते थे, अब वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। उनकी जगह पैंट्स ने ले ली है, और भी काफी अच्छे अच्छे बॉटम वियर्स आते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी कुर्तीज के साथ आपको कौन से बॉटम वियर पहनने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट कुर्ती। अभी इस टाइप की स्ट्रेट कुर्ती का बहुत ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है, जो कि काफी अच्छी भी लगती है, और सबसे अच्छी बात इनकी ये रहती है कि कंफर्टेबल होती है। इस टाइप की स्ट्रेट कुर्ती के साथ आप पैंट पहनिए, नहीं तो पूरा सेपरेट सेट भी आता है, जो कि पूरा मार्केट में आपको 520 या ऑनलाइन भी आपको 500 के रेंज में मिल जाएगा, जिसमें आपको कुर्ती, पैंट और दुपट्टा मिलेगा, जो कि काफी बेस्ट है। बट अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट कुर्ती है, तो जहां तक हो सके आप उसके साथ पैंट पहनिए। पैंट भी काफी अच्छी लगती है, एंकल तक लेगी पहनिए, ज्यादा लॉन्ग लेगी मत पहनिए, जो कि नीचे चुनरी वाली आती है, वो अभी बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती है। अगर आपको प्लाजो पहनना पसंद है, बहुत सी वुमेन्स होती है जो 40 प्लस होती है, जिनको प्लाजो पहनना पसंद है, तो ज्यादा फ्लेयर वाले प्लाजो आप मत पहनिए। अभी कम प्लाजो, फ्लेयर के प्लाजो चल रहे हैं, वो प्लाजो आप चूज कीजिए। साथ में आप सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनिए, अच्छी हेयर स्टाइल पहनिए, तो इस तरीके से भी आप कुर्ती पहन सकते हैं। गाइस, अगर आपके पास कोई लॉन्ग ब्रॉकेट कुर्ती है, जो कि वेडिंग वगैरह के लिए या फेस्टिवल्स के लिए पहनी जाती है, तो उनके साथ में आप इस टाइप के लहंगे या कुर्ती पहनिए। इस टाइप की ब्रॉकेट कुर्ती के साथ आप ब्रॉकेट लहंगे बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। एंड गाइस, अब बात करते हैं ए लाइन कुर्ती, जो कि अभी बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में चलती है, और मुझे भी ए लाइन कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा लॉन्ग तो नहीं, क्योंकि नी तक रहती है, वो ए लाइन कुर्ती बहुत अच्छी लगती है, जिसके साथ आप प्लाजो भी पहन सकती हैं, साथ ही आप पैंट भी पहन सकती हैं, और पैंट भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी काफी अच्छी लेगियां चल रही है, जो कि नीचे से बॉटम वियर जो उनके होते हैं नीचे, काफी मतलब डिजाइन के रहती हैं, नेक में रहती हैं, तो इस टाइप के आप पहनी है, इस टाइप के पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें आप स्ट्रेट कुर्ती के साथ भी पहन सकती हैं, स्ट्रेट कुर्ती के साथ ये बारीक बारीक एम्ब्रॉयडरी रहती है, तो उस टाइप के आप चूज कीजिए, वो काफी अच्छे लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रंट साइड कुर्ती, जो कि इस टाइप की होती है। बट इस टाइप की कुर्ती के साथ आप जींस पहनिए, क्योंकि अगर इनके साथ आप लेगी पहनेंगी तो लेगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, आपका जो फ्रंट है वो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो जहां तक हो सके इनके साथ आप कुर्ती के साथ पहनिए। साथ ही अगर आपकी कुर्ती प्लेन है, तो इनके साथ फिर आप प्रिंटेड फ्लोरल वाली पैंट पहनिए, वो बहुत अच्छी लगेगी। इस टाइप अब बात करते हैं पेपलिन कुर्ती का, जो कि अभी बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है, और मुझे भी इस टाइप की कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। अब इस टाइप की पेपलिन कुर्ती के साथ आप चाहे तो धोती पैंट भी पहन सकती हैं, नहीं तो अभी गरारा सरारा भी बहुत चल रहे हैं, और इनके साथ अगर आप प्लाजो पहनेंगी तो इनके साथ प्लाजो बहुत अच्छे लगते हैं। बट इनके साथ आप जॉर्जेट वाले प्लाजो पहनिए, जिनके नीचे अस्तर लगा हुआ रहता है, कॉटन के बिल्कुल मत पहनिए, कॉटन के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जो जॉर्जेट के जो प्लाजो होते हैं प्लेन वाले, वो अगर आप इन पेपलिन कुर्तीज के साथ पहनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो आप गरारा सरारा पहन सकती हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इस टाइप से भी आप चूज कर सकती हैं। साथ ही गाइस, मैं ये भी कहूंगी कि अभी शॉर्ट कुर्तियां भी चलती हैं, बट शॉर्ट कुर्ती को आप लेगी के ऊपर नहीं पहन सकती हैं, इन्हें आप पैंट के ऊपर भी नहीं पहन सकती हैं। इस टाइप की कुर्तीज का सिर्फ आप पटियाला सलवार के साथ पहनिए, और आप जींस के साथ पहनिए। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो डेली यूज के अकॉर्डिंग आप इन्हें जींस के साथ चूज कर सकती हैं, नहीं तो आप पटियाला सलवार के साथ भी चूज कर सकती हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और ये थे कुछ बॉटम वियर जिन्हें आप डेली यूज के अकॉर्डिंग पहनिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे। और इनसे रिगार्डिंग आपको और कुछ भी पूछना या जानना है, तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।